हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे महापरीक्षा गुरु पे। दोस्तों, स्पर्धा परीक्षा की सभी अपडेट के लिए हमारा चैनल महापरीक्षा गुरु आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ। दोस्तों, महापरीक्षा ने नहीं DMA ने रिज़ल्ट उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, लेकिन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक बहुत सारे लोग एक ही बार में उस वेबसाइट को दोस्तों विज़िट दे रहे हैं, उसकी वजह से वो वेबसाइट हैंग हो चुकी है। वो वेबसाइट अब ओपन नहीं हो रही, इसलिए कुछ समय के लिए वो वेबसाइट दोस्तों बंद हो चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों, आपको अगर आप मैकेनिकल से वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए अगर आपने फॉर्म भरा था या आपने सिविल इंजीनियर के लिए फॉर्म भरा था, तो दोस्तों आप अपना रिज़ल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दोस्तों प्रोवाइड कर दिए। तो दोस्तों, कुछ बंदों के लिए अच्छी खबर है, कुछ जो पोस्ट थी उनका जो कट ऑफ है वो नॉमिनल 45% ही आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 45% आप मार्क्स लीजिए, आपका चयन हो जाएगा। देखते हैं क्या है वो पदे, क्या है वो पोस्ट जिनका कट ऑफ दोस्तों कम होने वाला है। इन सभी स्टूडेंट के बंदों को दोस्तों सिर्फ 45% का क्राइटेरिया फेस करना है, उसके बाद वे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, किनको लिया जाएगा, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है वो पोस्ट जिन बंदों को सिर्फ कम मार्क्स लेने हैं, सिर्फ 45% पासिंग, उन सभी का दोस्तों चयन हो जाएगा एग्जाम में। नगर परिषद DMA के लेखापाल, लेखा निरीक्षक, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर ऑफिसर, कंप्यूटर जिनकी ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल, इन सभी बंदों के लिए दोस्तों सिर्फ नॉमिनल 45% का क्राइटेरिया चाहिए। अगर ये 45% का क्राइटेरिया उन्होंने फेस कर लिया तो दोस्तों वो लग गए कैटेगरी के जो बंदे हैं उनका 100% श्योर सिलेक्शन चांस है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेखापाल निकाल नियंत्रक जो पद था उसके लिए दोस्तों 67.5 इस मार्क के ऊपर बहुत कम लोग को मार्क्स थे, तो उन बंदों का सिलेक्शन होना ही है जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनका सिलेक्शन होना ही है। थोड़ा दोस्तों कट ऑफ वेरी होगा ओपन का, लेकिन ओपन के बंदों को भी दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना हाई नहीं जाएगा आपका कट ऑफ जितना 45 का क्राइटेरिया रिड्यूस होने के बाद जाने वाला था। क्योंकि 45 का क्राइटेरिया अगर रिड्यूस होता तो आपके कैटेगरी में जो फीमेल रिजर्वेशन की पोस्ट है उसमें सभी फीमेल दोस्तों फिल की जाती 45% का क्राइटेरिया रिड्यूस करने के बाद, लेकिन अब उसके जगह के अगर उन्हें 45% का क्राइटेरिया फीमेल में मिला नहीं तो दोस्तों वो रिक्त जो पोस्ट है, पदे है, उस पर आपका ओपन जनरल में जो बंदे हैं मेल उनका सिलेक्शन करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप सभी को इसकी बधाई, क्योंकि अगर आपको 70 भी मार्क्स होंगे या 69.5 भी मार्क्स होंगे आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको ग्रेड सी मिल जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको ग्रेड सी मिलने वाला है। 70 जिनको है ओपन उनको ग्रेड सी मिलने वाला है, OBC 67.5 ग्रेड सी मिलने वाला है, SC 67.5 ग्रेड सी मिलने वाला है, बाकी सभी कास्ट को जिनको 67.5 है उनको ग्रेड सी मिलने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इनको भी ओपन का जा सकता है थोड़ा हाई, लेकिन जो अदर कैटेगरी है उनको दोस्तों 67.5 पे आराम से ग्रेड सी या ऊपर की कोई पोस्ट है वो मिल जाएंगी। क्योंकि जो आपके कैटेगरी में जो बंदे बिलोंग नहीं है, जैसे OBC में देखो भूकंपग्रस्त, प्रकंपग्रस्त, इनके अगर बंदे दोस्तों अवेलेबल नहीं है, वो सभी पोस्ट उसी कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी है मतलब OBC जनरल वहाँ से भरी जाएगी। इसलिए आपको कम मार्क्स भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो। सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारा चैनल महापरीक्षा गुरु आप सब्सक्राइब कर लो। सभी अपडेट यहाँ आपके लिए मैं आके खुद मेरे चैनल पर दूंगा दोस्तों। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपको आपके सवालों का आंसर मिला होगा। तो दोस्तों, सामने की सभी अपडेट के लिए, आगे की सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल महापरीक्षा गुरु आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों, आपने अगर अपना रिजल्ट देखा नहीं, जिन बंदों की दोस्तों लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, वे हमारे चैनल को विजिट दीजिए, सब टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे अपना रिजल्ट देख लीजिए। और आने वाली सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल महापरीक्षा गुरु दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।